आईजीएमसी अस्पताल में ब्लैक फंगस से दो और मरीजों की मौत हो गई। जानकारी अनुसार एक महिला शिमला के लक्कड़ बाजार के रहने वाली थी, जबकि पुरुष हमीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। यह जानकारी आईजीएमसी एमएस डॉक्टर जनकराज ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों मृतक को 28 मई को आईजीएमसी में भर्ती किया गया था। गौर रहे कि अब तक प्रदेश में कुल 10 मरीजों की ब्लैक फंगस के कारण मौत हो चुकी है, जिसमें 4 मौतें टांडा तो 6 मौतें आईजीएमसी में हुई है। वहीं अब तक प्रदेश में कुल 21 मामले फंगस के आए हैं। हमारे संस्थान में उपचाराधीन मरीजों में से 2 मरीजों की पिछली रात को ब्लैक फंगस या यूं कहें म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी की वजह से इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। एक महिला थी जो शिमला के लक्कड़ बाजार क्षेत्र की रहने वाली थी, और एक पुरुष जिनकी मृत्यु हुई है वह अवाह देवी हमीरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये दोनों लोग 28 मई को कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की संभावना के चलते यहाँ पर एडमिट हुए थे। कोरोना का इलाज के उपरांत ब्लैक फंगस की चपेट में ये लोग आए और इलाज के दौरान उन दोनों की मृत्यु हुई है। डॉक्टर अभी तक कितने एडमिट हैं जैसे ब्लैक फंगस के मामले? अभी इस वक्त हमारे संस्थान में 3 लोग जो हैं वो ब्लैक फंगस के लिए उपचाराधीन हैं। अभी तक हमारे संस्थान में 12 लोगों के ब्लैक फंगस की संभावना के चलते यहाँ पर लाया गया, जिसमें से एक मरीज को पीजीआई रेफर करना पड़ा। वो नॉन कोविड ब्लैक फंगस का मरीज था, साथ में उनके अंदर कुछ और ब्लड कैंसर इस तरह की समस्याएं थी। और बाकी 11 मरीजों में से 6 मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। 3 मरीज इस वक्त भर्ती हैं और 2 मरीजों को छुट्टी कर दी गई है। यह बीमारी कोई नई नहीं है, ये बीमारी पहले भी हमारे सामाजिक परिवेश में पाई जाती रही है। चूँकि इसकी कोविड के साथ एसोसिएशन होने के चलते मरीजों कोविड के मरीजों के भीतर इस तरह की संभावना अधिक जताई जाती है, तो कोविड के जो भी मरीज हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे हैं, चाहे वो स्टीरॉयड है, ऑक्सीजन है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, उनको शुगर है कुछ है, तो वैसे लोगों को अपनी ओरल हाइजीन का खास ध्यान रखना है। और साथ ही साथ सब वह लोग जो चिकित्सा कर्मी उन लोगों की देखभाल में लगे हैं, उन लोगों को भी इस बात का इल्म है और कि ताकि ब्लैक फंगस की बीमारी की शुरुआती लक्षणों में उसको पहचान पाएँ और उसका इलाज कर पाएँ। क्योंकि शुरुआती दौर में ये बीमारी जो है पूर्णतः इलाज के भीतर इसका संभव है, अन्यथा जब डिले होता है या बीमारी अधिक बढ़ जाती है तो वैसी स्थिति में लोगों की जान भी चली जाती है। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।